This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासर अथवा बृहस्पतिवासर पौशुद्ध एकादशी दिनांक 13 जानेवारी 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलकां दधतमृत घटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यांशुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालांबोधोज्ज्वलांगं कटितट विलसत् चारुपीतांबराढ्यं वंदे धन्वंतरिंतन निखिल गदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे याद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां आयुर्वेद रतं वंदे माधवाख्यं महागुरुं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यप्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयन्नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वंदे आयुर्वेद जगद्गुरुं आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारं अग्निवेशं नमाम्यहम् शांति 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 सूतार का गंध चपला जयपाल तिक्ता पथराति वृक्ष विशतिंदुक जान समाशा संभाव्य वज्री पयसा मधुना त्रिवल्लस्त्रेलो कडंबर रसोस अभिनव जलग्ना तो पार अर्पयन की ताम्र गंधक चपल भस्म और जयपाल जयपाल का इन्होंने भाषांतर पीपर का चूर्ण और तिक्ता जमाल काटा का चूर्ण कुटकी का चूर्ण ये पीपर का चूर्ण कहाँ से लाया है सूतार का गंध चपला जयपाल तिक्ता पथ्या प्रवृत्त चतुर्विशतिंदु किरान समावशान तो दुग्ध जयपाल ऐसा ही है जयमाल कोटा इसमें तो मूलग्रंथ में तो पीपर नहीं है फिर पथ्या त्रिवृत्त विषतिंदु का सब संभाग में ले हुए संभाव्य वज्री पयसा और फिर निवड़ुंग कैक्टस उसके दूध से उसके उसकी भावना दे और शिष्य में भर दे मदना त्रिवल्ल त्रैलो कटिंबर रसो सौ रसो अभिनव जवरग्ना तो इसमें काफी विरेचन द्रव्य है तीक्ष्ण है और भावना भी इस प्रकार की स्नुही क्षीर की भावना है तो
ने वजीर पैसा मधुना त्रिवल्ल स्त्रैलोक कडिंबर रस कंबर रसव अभिनव जलग्न तीन कण त्रिवल्ल का भाषांतर किया है। 360 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम की मात्रा में चाटे अभिनव ज्वर को नष्ट करता है। वास्तव में अभिनव ज्वर में या नूतन ज्वर में विरेचन निषिद्ध है। इससे विरेचन होगा ही ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन विरेचन करने वाली काफी दवाइयां इसमें है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। अथ मेघनाद रसः पादाशकम् पादाशकम् आर रवि समावशं गंधो विपक्वा हॅलो सर। हाँ हॅलो हाँ सर। सर आपण खूप मागे आलोय, उमा प्रसादन रस पर्यंत झालं होतं लास्ट टाइम। उणा प्रसाद हो सर, हो सूर्य रस, हा चंद्र सूर्य रस पण झालाय। बरोबर, सर्वांग सुंदर चिंतामणि हा पण झाला होता मला वाटतं। मृत संजीवन सचिका भरण हा पण झाला होता। बरोबर, पंचवक्त्र रसापर्यंत आलो होतो का? चातुर्थिक गजांकुश रस, बरं झालं आठवण केलीस ती। दीपिका ज्वर शीतभंजी हा पण झाला होता। बद्ध ज्वरांकुश महाज्वरांकुश मृत्युंजय ताप्यतालक जयपाल वत्सनाभ मनशिला ताम्रगंधक सूतंच वसले रसमर्दितः हा नव्हता झालेला मला वाटतं। नाही सर, हा नाही झाला, हा नाही हा झाला सर। मृत्युंजय पासून सुरू करेंगे, तो मृत्युंजय से सुरू करेंगे। तालम ताम्र गजो रसश्च गगनम गंधश्च नैकाम नैपालकम दिनार प्रतिमं तदर्ध मुदितं शंखं शिला माक्षिक दिनार झालाय सर, हा पण झालाय झाला सर। कारण हो, चंद्र सूर्य रस पण झालाय सर। उमा प्रसादन रस उमा प्रसादन पण झाला का नाही झाला? झाला झालाय झालाय सर। त्याच्या खालचा ज्वरांकुश पण झालाय, सर्वांग त्याच्या सुंदर पुढे। चिंतामणी पण झालाय, नक्की आठवतोय। हो हो सर, झालाय। इथून पुढे बहुतेक लोकनाथ गुटिका पण झाली होती माझ्या अंदाजाने। हो 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 सूचिका भरण आणि पण सूचिका झालाय। भरण पण झालं झालंय सर ते पण। प्राणाचार्यं प्रपूजे ये आयथा अन्यथा नरकं तावत् यावत् कल्पामु कल्पना शार्ङ्गष्टादि वर्गः। हा इथून नाही सर, इथून।
सूची मुखी रसा सांगष्टाच तथा व्याघ्री करीरस्तिलपर्णिका इंद्रवारुणिका मुस्ता हरिद्रों हरिद्रांकोलो मूलिका अपा मार्ग कणा स्वर्णा कटुतुम्बी च तिंतिडी सांगष्टादिक वर्गो यम संधिपात ज्वर संधिपात हरफ परम। तो काकमा च सांगष्ट का व्याघ्री कंटकारी करी करीर वंशांकुर तिलपर्णक जप्तचंदन इंद्रवारुणिका मुस्ता हल्दी अंकोलमूल अपामार्ग पिप्पली स्वर्णधत्तूरा कटुतुम्बी च तिंतिडी गोड़गोपला इमली तिंतिडी सांगष्टादिकवर्गोऽयं संधिपातहरः परम। तो ये सांगष्टादिवर्ग संधिपातहर है पर है। तो ऐसा ही आया है एक्चुअली सांगष्टादि वर्ग। तो शायद संधिपात चिकित्सा में इसके बारे में सोचे। सूतगंधक तालक मणिशिला ताप्यम लवम तुत्थकम जेपालम विषटं कणम मधुफलं कृत्वा समांशं दृढ़ कृत्वा कच्चलिकां विशोल्बण फणे पित्तैश्च संभावयेत् क्षिप्त्वा सीसककूपिके रसवरं सूची मुखं नामतः। ते सूची मुखे रस है। सूची मुख सूतं गंधक तालकम मणिशिलां ताप्यम लघुम तुत्थकम पारद गंधक ताल हरताल मनशिला ताप्य सुवर्णमक्षी लवम नीला थोथा लव क्या है मालूम नहीं तुथकम जयपालम इसका भाषांतर आया नहीं है। तो कुत्थ जयपाल बचना टंकण मधुफलम ममे का फल मोह फल कृत्वा समांशम दृढ़म कृत्वा कज्जलिका मिशोल बड़ा फणे ही पित्त पित्तेश्च संभावये। तो कज्जलिका बना के विषोल वर्ण फणे ही विष जिसमें ज्यादा है इस प्रकार के पित्त से भावित व्रणे है पित्तेश्च संभावित तो उसके पित्त से भावित करे क्षिप्त्वा सीसक कूपी के और सीसे के कूपी में रख पर रसवरम सूची मुखम नाम था। ये सूची मुख नाम का श्रेष्ठ रस है। ब्रह्मद्वारे विकीर्ण लोहित लवे गुंजैक मात्रम ददे सूची मुखम नामतः। ब्रह्मद्वार विकीर्ण लोहित लवे गुंजैक मात्रम ददेत। ये तो पहली बार मैं सब दिख रहा हूं ददेत। तो इसका यच्छ हो जाता है। यच्छेत ऐसा होगा। ये बहुत ही आर्ष रूप है। दत्वा सम्यक संपुट बव्व तंत्रिक धनुर्वाते संपुट बद्ध तंत्रिक धनुर्वाते सशाखा हिमे कासम श्वासम अरोचकम प्रलपनम कंपन च हिक्कातुरम मूकत्वम बदित्रत्वम उन्मदम अपस्मारम जयेत तत्क्षणात्।
तो फलश्रुति काफी वाइड है। अच्छा संपुट बद्धम, ये मुट्ठी जिसकी हो गई है, संपुट तो यहाँ ब्रह्मद्वार में ही इसका निवेश करना है, विकीर्ण लोहित लवे। तो रक्त उसमें बिछाया गया इस प्रकार का है, शुद्ध कर उसके आग्रह में छोटा सा छेद बनाकर रक्त बिंदु के निकलते ही उसमें रस का प्रवेश कर दे तथा अच्छी तरह दबा दे। उपर्युक्त प्रकार से संधिपात को रोगी कार भी एक बार अवश्य ही यमराज के पास से मुक्त हो आता है। यह रस उपयुक्त अनुपानों के साथ सेवन करने से कास श्वास अरुचि प्रलाप कंप हिता रोग मुखता बधिरता उन्माद तथा अपस्मार को शीघ्र ही नष्ट करता है। तो ब्रह्मद्वार विकीर्ण लोहित लवे, ब्रह्मद्वार में जिसमें छेद करके थोड़ा सा खून बाहर निकला है उसमें ये डालना है। गुंजई का मात्रम, एक गुंजाई इतनी मात्रा में देना है। संपुट बद्ध तंत्रिका धनुर्वात है, इसमें मुट्ठी हो गई है इस प्रकार का तंत्रिका धनुर्वात सशाखा ही में, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ लक्षण कि हाथ पाँव ठंडे पड़ गए हैं सशाखा ही में। ये काफी गंभीर लक्षण माना जाता है, दिखाई भी देता है। और इसमें मैं बच्चा चूर्ण का प्रयोग करता आया हूँ, कुछ हद तक फायदा होता है, लेकिन सशाखा हिम ये लक्षण कहीं पे नहीं था। ये पहली बार सशाखा हिम इस प्रकार का लक्षण दिखाई दिया है। कासम श्वासम अरोचकम प्रलपनम कंपन च हिक्कातुरम मुखत्वम बधिरत्वम उन्मदम अपस्मारम जये तत्क्षणा। तो इसमें ये सर्प का पित्त, विषय विषारी सर्प का पित्त मिलवाना, ये ही एक अहम मुद्दा है कि उसको कैसे निकालते थे, क्या करते थे मालूम नहीं, उसको मार कर निकालते थे। तो उसकी भावना देनी है ये, और शीशे के कुपी में रखना है, सूचीमुख नाम का रस। रसगंध का ताम्रा भ्रम लांगली वंदी रामठम वंध्या पटोल निर्गुंडी सुगंधा निम्ब पल्लवाह पाठाक्षारत्रयम् शुवेल बोल धत्तूर तंडुलैहि शृंगी मधुक सारंच जिम्बीरामलेन मर्दयत् कुर्यादि निष्कमानेन वटिकासा नियच्छति सस्वेददाहाभिन्यासं संधिपात गजांकुशः। संधिपात गजांकुश नाम का रस है। रस गंधक ताम्र अभ्र रसगंध का लोहाभ्र शुभ शिल्पभस्म समावशकम्, यह सूचेकर का पाठ है, नहीं सूचेकर का नहीं है, सुगंध का पंचामृत का टीका है। तो ये चार कॉमन है, रसगंध का ताम्रा और अभ्र। लांगली कल्लावी, वन्नी चित्रक रामठ हिंगू
वंध्या पटोल, वांस ककोड़ा परवल का पत्ता, निर्गुंडी सुगंधा निंब पल्लवा, पाठाक्षारत्रयम, श्वेल बोल, श्वेड काला सर्प का विष, अजीब है, बोल या शुद्ध बचनाग, विष का चूर्ण, दत्तूर शुद्ध दत्तूर बीज, गंधबोल, कटिली चौराई का चूर्ण, तंदुलई शृंगी मधुक सारंज, काकट सिंगी मधु कसारा मुले टीका सत्व, जंबे जंबी राम ले न मर्दय, तो जंबी राम लसे मर्दन करे, पुर्यादे निष्कमाने न वटिका सानी अच्छी, संस्वेद दाहा भिन्यासम, संस्वेद दाह इस प्रकार का अभिन्यास संधिपात्र ज्वरांग ज्वरांकुश, सुगंध वाला, निर्गुंडी सुगंधा निंब पल्लवाहा, पाठाक्षारत्रय श्वेल ये विषय बताया गया, बोल धतूर तंडुलई, गंधबोल का अर्थ क्या किया मालूम नहीं, पता नहीं चल रहा है ऐसे। सुंगी मधु के सारे अंश जम्मे राम ले न मर दे, संधिपात गजान कुश रस, ये मिलता है क्या बाजार में, एक बार देखना चाहिए। ससारा वैष्णवी सेना अचला कादि कंकणा, रागरुद्रो पमोपेता प्रौढ़ा मस्तक शालिनी, चातुर्थिक ससारा वैष्णवी सेना अचला कादि कंकणा, रागरुद्रो पमोपेता प्रौढ़ा मस्तक शालिनी, इसका तो भाषांतर ही नहीं किया इन्होंने, टीका में देखते हैं क्या है का। श्वेल गरलम बील गंधबीलम, तंडुलहा तंडुलिय कहा, ससारा मार पारद, ससारा सार पारद सारत्व सारत्वंचास्य शिव वीर्यत्वात् तत्सहिता पारद युक्ता इत्यतः वैष्णवी सेना हरिता, ससारा तो पारद और उसके साथ हरिताल, वैष्णवी सेना हरिताल, विष्णु वीर्यत्वात् च वैष्णवी सेनत्वेन, हरिताल विष्णु का वीर्य है, अचला मनशिला अत्रापि लक्ष्मी वीर्यत्वम्, मनशिलाया अचलत्वे हेतु उन्नेयः, कादिक कारवल्ली रसा कंकणा गंधका यत्तु केनचित् कादिक कणा इति पदभेदेन कणा शब्देन चित्कलि इत्यक्ता तन्न मनोरम, त्रिभागम इत्यादिना
उक्ते सारादीनां भागविवरणे पिप्पल्यादृष्टत्वात् गन्धकस्य च ग्रहणादिति रागः ताम्रपात्रं रुद्रोपमा वालुका च ताभ्याम् उपेता प्रौढामस्तकशालिनी शाली स्फुटनमात्रम् इत्यर्थः। अथ येषां भागयुक्तिमहाविभागमिति हरतालकं हरितालं तालकादिकं यक्तोक्तमानं गृहीत्वा कारवल्लीपत्ररसेन प्रहरद्वयं विवर्धयेत् ततः ताम्रपात्रं संस्थाप्य बद्ध्वा रुद्ध्वा च तालुकायन्त्रे पचेत् पादकोपरि कति व्रीहिन् संस्थापयेत् च यावत् ते न स्फुटन्ति तावत् रसोऽयं पक्तव्यः इति निष्कर्षः। अजीब है। शुद्ध हरताल 3 भाग, शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक आधा भाग। त्रिभागं तालकं विद्यात् एकभागं तु पारदं तदर्थं गन्धकं चैव तदर्थं तु मनःशिला। चौथा ही भाग इन सबों को एकत्र करके करेला के पत्ते के रस के सांपी ग्रह तक मर्दन करें। इसके बाद गोला बनाकर तथा हम सुखाकर उस गोले को ताम्र पात्र में लपेट कर शराब संदूक में बंद कर संधिलेप कर दे और एक मजबूत भांड में रखे। इसके बाद उस भांड को वालुका यंत्र में रखकर भांड का आधा भाग बालू से भर दे और भांड के ऊपर भाग पर एक बड़ा शराब रखकर संधिलेप कर दे तथा उसके ऊपर धान रख दे। इसके बाद वालुका यंत्र को टीकी ऊपर रखकर नीचे से आग जल लगाए। जब धान फूटने लगे तब परिपक्व समझकर बस अग्नि देना बंद कर दे और स्वांग शीतल हो जाने पर संपूर्ण में सिद्ध रस को निकाल कर पीस दे। इसको चातुर्थी का ज्वर हर रस कहते हैं। यह चातुर्थी के ज्वर को दूर करता है। तो पारद वैष्णवी सेना यानी कि हड़ताल, अक्षला यानी कि मनशिला। ये सब अजीब है थोड़ा सा। हड़ताल वैष्णवी सेना है विष्णु वीर्यत्वाच्च वैष्णवी सेनत्वम अक्षला मनशिला तत्रापि लक्ष्मी वीर्यत्वम। ये पहली बार टीका में आया है इस प्रकार से। अब तो हरताल विष्णु का वीर्य है और मनशिला लक्ष्मी का वीर्य है। कादि कारवल्ली रसा कंगणा कंकणा गंधक रागरुद्रोपमोपेता। ये रागरुद्रोपम ये ताम्र पात्र के बारे में है। प्रौढ़ा मस्तक शालिनी और मस्तक के ऊपर ये व्रीही विराजमान है और वो जब फूटने लगे तब ये पूरा हो गया ऐसा समझकर रख देना है, अग्नि पर से निकाल देना है। चातुर्थिक ज्वरांकुश स्यात् रसेन समायुक्तो गंधकः सुमनोहरः ह्रियावल्ली त्रिगुणितो निर्गुण्डी रसमर्दितः सप्तवाराणि तत्यज्यम् आर्द्रकस्वरसेन तु सन्ततादिज्वरं हन्यात् चातुर्थिक गजांकुशः। तो पारद के साथ गंधक सुमनोहर हियावल्ली हरताल, दियावल्ली यानी कि हरताल। यहाँ पे हियावल्ली है, मुझे लगा था लज्जालु है। रियावल्ली हरताला सच रस भागा अपेक्षा त्रिगुणिता
निर्गुंडी रस मर्दिता निर्गुंडी रस मर्दन करना है, सप्त वातनानि तद्योज्यम आर्द्रक स्वरस नतु, 7 बार मर्दन करना है और आर्द्रक स्वरस के साथ देना है। संतताति ज्वरम हन्यात् चातुर्थी का ज्वरांकुश, चातुर्थी का ज्वरांकुश है और संतताति ज्वर का नाश करता है। तो पारागंधक त्रिगुणित हड़ताल और निर्गुण रस की भावना इतना ही है। चातुर्थी का ज्वरांकु गजांकुश बनाने में थोड़ा आसान है। तद्वितीय मृत्युंजय रसः, ताप्यतालक जेपाल वत्सनाभ मनशिला ताम्रगंधक सूतंश मुशली रसमर्दिता मृत्युंजय इति ख्याता कुक्कुट्टी पुटपाचिता। सर आता सध्या पारद इम्पॉर्टंट वर लिमिटेशन्स आल्याने पारदाचे रेट खूप वाढलेले आहेत। मागच्या वर्षी 6,700 पैकेजी आता 13 ते 14 हजार रेट चालू आहे, सूचिका भरणी पर्यंत झाले आहे। पुढे पारद मिळणे बंद झाल्यास काय करावं लागेल? मूकबधिर में भी ब्रह्मद्वार पर ऐसा समझे क्या? हो सकता है। जयपाल काफी बार आ रहा, विभिन्न रसों का क्या वजह होगी? जयपाल के गुणधर्मों को एक बार देखना पड़ेगा, हमें तो ये सिर्फ उसका विरेचक गुणधर्म मालूम है, सिर्फ उसी से काम करता होगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ और भी उसके कार्य रहेंगे। तो अभी जनरली ऐसा है कि जब पाबंदी लग जाती है तो ब्लैक मार्केट में मिलना शुरू होता है, क्योंकि बेचने वाले को तो बेचना ही है, खरीदने वाले को खरीदना ही है, खरीदने वाले को सिर्फ प्राइस तो बढ़ती जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी 13-14 हजार है तो उसी प्राइस में लेकर दवाइयां बनाए, आगे या और भी बढ़ जाएगा तो मुसीबत इस प्रकार की हो जाएगी। क्योंकि एक बार बना देने के बाद प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी बरस टिक सकता है इसमें संदेह नहीं है। तो मिल रहा है यही अच्छी बात है, और वास्तव में ऐसा होना है कि आयुष डिपार्टमेंट में या CCRAS में अच्छे वैद्य होने चाहिए, जो प्रैक्टिशनर्स है, जो इस सभी का महत्व जानते हैं, तो वो अपने तरीके से कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये काफी मुश्किल इस प्रकार का दिख रहा है। तो जिसकी वाइड फलश्रुति है उन कल्पों को पहले समझ में ले और उनको बनाने की कोशिश करे, और जो बनाने में थोड़ा आसान इस प्रकार का हो, निस्संदेह हो कि कैसे करना है, क्या करना है इसके बारे में, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ताप्यतालक जेपाल वत्सनाभ मनशिलाः ताम्रगंधक सूतंच मुशली रसमर्दिता मृत्युंजय इति ख्याता कुक्कुटी पुटपाचिता। तो सौरमाक्षिक हरताल जयपाल वत्सनाभ मनशिला ताम्र गंधक पारद, ये मुशली रस से मर्दन ये पहली बार हुआ है, मुसली के रस के साथ मर्दन कर कुक्कुटपुट देवे। वल्लद्वयं प्रयुञ्जीत यथेष्टं दधि भोजनम्, तो 2 वल्ल मात्रा में देना है, तो
360 मिलीग्राम। तथ्य में दही भात दे दे। महारस नवीन ज्वर संधिपात ज्वर को नष्ट करता है। नवज्वरम संधिपातम अन्यादेशः महारसः। ते मृत्युंजय करके आए हैं। अतः पंचवक्त रसः शुद्धम सूतम विषं गंधम मरीचम कंकणम कणाम मर्दय धूर्त द्रावय दिलम एकं तु शोषये पंचवक्त्र रसो नाम द्विगुंजः संधिपातजित अर्कमूल कषायं च सत्रियुषम अनुपानयेत अनुपायेत दध्योदनम हितं तत्र जलयोगं च कारयेत। जलयोग तो शुद्ध सूत विष गंध मरीच टंकण कणा और धतुरपत्र ये रस से 3 दिन द्रावय ही दिनम एकं तु शोषयेत। इसका सिर्फ ये भावना देनी है और एक दिन शोषण करना है। पंचवक्त्र रसो नाम द्विगुंजा संधिपातजित ये पंचवक्त्र रस है दो गुंजा में संधिपात जीतने वाला। अर्कमूल कषाय च अर्कमूल कषाय सत्रियुष व्योष डाल के अनुपान देना है। और दध्योदनम हितं तत्र जलयोगं च कारयेत। और दध्योदन और जलयोग, जलयोग क्या है? औषध पच जाने पर दही भात खाने के दो और वहां पर जल जबकि घास या बरकी थैली का प्रयोग करें। जलयोग का प्रयोग औषध सेवन के बाद गर्मी प्रतीत होने पर दिया जाता है। यहाँ पर जबकि घास या बर्फ की थैली का प्रयोग करें। पता नहीं चल रहा। धतुरपत्र रस ही त्रिकट जलयोग जल सेकाधिकम। तो अगर गर्मी होती है तो ये जल सेक करना है इस प्रकार से। एक थोड़ा अजीब है कि ताराचंद अस्पताल में पंचवक्त रस काफी मात्रा में उपलब्ध था, कोई प्रयोग नहीं कर रहा था। तो एक दिन शेंडे सर ने देख लिया कि ये काफी मात्रा में उपयुक्त है। कफक न करके उन्होंने ईएनटी में उसका प्रयोग किया और बहुत अच्छा प्रयोग रहा। बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार से मिले। वैसे इसे भी बेहतर श्वेत मरीच को वैसे उन्होंने गोली के रूप में दे दिया था लोगों को कफक न हिसाब से। और लोग बोलते थोड़े मरीच जैसा लगता है वो, कहते हाँ उसमें मरीच है इस प्रकार के बताते थे। लेकिन केवल श्वेत मरीच एक एक गोली के रूप में देते थे और कफग्न अच्छा कार्य दिखाई देता था। तो ये पंचवक्त रस उस समय में तो अवेलेबल था, मालूम नहीं अभी मिलता है नहीं मिलता है इस प्रकार से। और काफी उष्णवीर्य इस प्रकार का होगा। द्विगुंजा संधिपात जी संधिपात के लिए काफी दवाइयां यहाँ पे आई है, ये अहम मुद्दा है। और संधिपात को ट्रीट कर पाना ये काफी मुश्किल काम इस प्रकार का होता है। तो इस हिसाब से इन सभी औषधियों का एक अलग महत्व इस प्रकार का रहेगा। रसगंध का तुल्यांशम धत्तुर फलज फलजई द्रवे ही मर्दय दिन में एकंतु तत्तुल्य त्रिकट क्षिपे उन्मताख्यो रसो नामना न से स्या संधिपात। तो रसगंध का तुल्य धत्तुर फलज द्रव मर्दय दिन में एकंत तत्तुल्य त्रिकट क्षिपे मर्दन करके उतना ही त्रिकट डाले। ये उन्मताख्य रस है। नस्य देना है संधिपात जित इस प्रकार के। तो नाम पंचवक्त्र है, मुख रोग में भी सोच सकते क्या शालाक्य की तरह। सोच तो सकते हैं। ये पंचतुंड नर रुंड माल हर ये पंचानन जो है ये शंकर का इस प्रकार का बताया जाता है नाम। और ये नांदी है पंचतुंड रस पंचतुंड
मालहर पार्वती शाधी नमितो, इस प्रकार का। जळगावजवळ त्रिवेणी म्हणून एक वैद्य आहे, जीर्ण प्रतिष्ठेच्या पेशंटना अखंड मरीच सकाळी अंशापोटी घ्यायला सांगतात। तो ये काफी पॉसिबल है, मरीच उत्तम कफग्न है, तो आणि अखंड वापरण्याने जास्त उष्ण पडत नाही, प्रमाथी या गुणाचा वापर। ये अभिछंद के विपरीत काम करता है, और दही सेवन का इतिहास अगर है तो मरीच अच्छा काम करता है। और वैसे भी श्वेत मरीच डायरेक्टली मिलता है बाजार में, सिर्फ बात यह है कि उसको गोली के रूप में देना, ये उनकी खासियत इस प्रकार की थी। और बहुत सिंपल सिंपल दवाइयों का प्रयोग करना, ये शेंडे शास्त्र की खासियत थी। तो ये इस प्रकार से पॉसिबल है कि केवल मरीज को इसमें दे दें। तो ये उन्मत्त रस भी काफी आसान है, और नस्य करना है बनाने में, तो शायद उन्मत्त नाम केवल दत्तुर के वजह से दिया गया होगा। पारागंधक और दत्तुर बीच की रस की भावना। निस्त्वक जयपालजम बीजम दिश निष्कम प्रचूर्णय मरीचम पिप्पली सूतम प्रति निष्कम विमिश्रय भाव्यम जम्बी रजय द्रावय सप्ताह तत्प्रयत्नतः संधिपातम निहंत्याश्व अंजने यशिवस्मृतः मदन फल विडल वर्ण सर्षपा प्रति निष्कद्वयम चूर्णयित्वा त्रिफलाक्वातेन सटङ्कणं पिबेत् संधिपातान जल रसा। तो ये अंजन के लिए है, पीछे नस्य के बारे में बताया था, अब ये अंजन के बारे में बताते हैं। निस्त्वक जयपाल अजम बीजम, इसका त्वक निकाला गया है, इस प्रकार का जयपाल का बीज दश निष्कम प्रचुर नहीं है। तो ये दश निष्क चूर्ण करके लेना है, मरीच चूर्ण एक निष्क, ये भी 30 ग्राम बताया। मरीचम पिप्पली सूतम प्रतिनिष्कम विमिश्रे, तो मरीच पिप्पल और पारत ये भी 30-30 ग्राम लेवे। जंबीर निम्बू के रस के साथ प्रयत्न पूर्वक एक सप्ताह पर भावित करें, तो उसकी भावना देनी है। संधिपातम निहंत्याशु अंजने यशिवस्मिता, तो ये नेत्र में अंजन के समान अंजन करने से संधिपात जो मूर्छा को दूर करता है, कल्याण कर रस है। शिवस्मृता, तो शिव का भाषांतर इन्होंने कल्याण कर इस प्रकार का किया है। जाहिल वैद्य का अभी याद पक्का याद नहीं है, लेकिन बुखार और कामला ये दोनों साथ में थे और पेशेंट कोमा में था।
तो बचने के चांसेस नहीं थे तो इनको बुलाया गया। उन्होंने पहले भीतर कुछ दवा दी और फिर बाद में अंजन करवाया और फिर रोगी बच गया। मूर्छा से बाहर आया और फिर ठीक हो गया। तो इनका कहना था ये हरिद्र का संधिपात था और उसकी उन्होंने चिकित्सा की थी। ये कामला थी नहीं, ये ज्वर का ही रूप था। इस प्रकार संधिपात और ज्वर का था। तो इस प्रकार से निदान कर पाना, उसकी उस प्रकार से चिकित्सा दे पाना, ये दोनों अजीब इस प्रकार के है थोड़े से। मधुमेह फलम बीड़ लवणम सर्षपा प्रति निष्कद्वयम चूर्ण इस मात्र पिघला खाते ना सटम कणम पीबे। यह अंजन करना है। मदन फल बीड़ लवणम सर्षप ये निष्कद्वय चूर्ण इत्वा त्रिफलाकवात है ना सटंकण पिबे। टंकण डालकर त्रिफलाकवात से पान करें। तो ये भीतर देने का प्रयोग है। नस्य करे पहले और फिर बाद में इस क्वाथ के स्वाद भीतर दे दे। संधिपातान जन रसहा कुष्ठादौ गुरीकरणिका नस्यम कुष्ठे ज्वरे कामलायां कंठरोगे यजीर्णके नस्ये च गुरीकरणिक शीतवारे। तो ठंडे पानी के साथ गिरीकरणिका अपराजिता के बीज का चूर्ण शीतल जल के इस पर उसका द्वार कुष्ठ रोग कामला कंठ रोग अजीर्ण रोग में प्रयोग करें। कि नस्य है इसका एक्चुअली। पाठ में अंतर है। तो ठंडे जल से नस्य देना है और फिर क्वाथ बना के कुष्ठ ज्वर कामला कंठ रोग और अजीर्ण इसमें देना है ऐसा। हिंदी भाषांतरकर्ता का मतलब है वहां तो सिर्फ नस्य बताया है। कुष्ठ पांडु ज्वरा जीर्ण कामला कंठ रोग ये देवदाली का नस्य बहुपित्त कामला में देने का तो प्रयोग होता रहता है। तो नस्यांजना से ज्वरादि संधिपातात संधिपातात अवस्थित एक्शन रोल का ऐसा। ये मेरे ख्याल में सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन् प्राणा येषु च संस्थिताः यदुक्तमाङ्गानां शिरस्तदभिधीयते। एक तो नस्य शिर का द्वार बताया गया है और सर्व इंद्रिय और प्राण वहां पे स्थित है। ये उत्तम एक मर्म स्थान इस प्रकार का है। तो सीधी एक्शन मर्म स्थान में मिलती है, ये सबसे अहम मुद्दा इसमें है। और नस्य के जरिए एक उद्वेजन हो जाता है। तंद्रा मोह मूर्छा इस प्रकार के अवस्थाओं में नस्य के जरिए तीक्ष्ण नस्य के जरिए संज्ञा बोधन इस प्रकार का हो जाता है और फिर रोगी बाहर आ सकते हैं। तो मैंने भी इस प्रकार के प्रयोग किए हैं, विशेषता तंद्रा या मूर्छा इस प्रकार के अवस्था में, गंभीर अवस्थाओं में नस्य अंजन इन सभी का प्रयोग किया है। चंद्रोदयावर्ती ज्यादा प्रयोग में लाई है।
केवल शहद से भी अंजन करने से काफी तीक्ष्ण अंजन इस प्रकार का हो जाता है। नहीं तो शुद्ध कर्पूर का अंजन कर सकते हैं, ये भी एक बात है। और नस्य में अगर ज्यादा तीक्ष्ण नस्य देना है तो एक वचा चूर्ण का, वचा तेल का, या फिर एक और तीक्ष्ण नस्य है ज्योतिष्मति तेल का, ये दे सकते हैं। नस्य और कामला का भी संबंध कैसे समझेंगे? ये थोड़ा सा अजीब है। पित्त को कहीं ना कहीं बाहर निकालना है। जनरली पित्त के लिए विरेचन चिकित्सा होनी चाहिए, कामले तो विरेचन ही, ये अहम सूत्र है, और बार बार विरेचन देना पड़ता है, तो बहुपित्ता कामला जो है वो नष्ट होती है। रुद्धपित्त कामला है तो पित्तं कफहरैर्जयेत्, युष्मदा रुद्धमार्गन्तं पित्तं कफहरैर्जयेत्, ये सूत्र है। तो कफ से मार्ग का अवरोध हो गया है, तो कफहर त्रिकट चूर्ण का काफी प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग सातला या शिकाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये नस्य के जरिए बहुत सारा पानी नाक से निकल आता है या मुख से निकल आता है, और वो पीला होता है और पित्त निकल आता है इस प्रकार से, और फिर उससे भी कामला शांत होती है। लोनावला में एक वैद्य, वैद्य एक्चुअली नहीं था, इसी प्रकार का प्रयोग करने वाला आदमी था, अभी है मालूम नहीं मुझे, लेकिन लोग वहां पे जाते, नाक में औषध डलवाते और फिर वापस आ जाते। वो पूरे दिन इस प्रकार का नासास्राव होता रहता था, तीक्ष्ण नस्य इस प्रकार का है, और फिर उससे राहत तो होती थी। खास करके बहुपित्ता कामला में राहत जरूर इस प्रकार की होती थी। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये तरीके तो प्रचलन में है इस प्रकार से, नस्य अंजन इस प्रकार से। सिर्फ इनकी कार्मोत्कृष्टता किस प्रकार की है ये देखकर करना पड़ेगा। मेरे पास एक दही प्रिय इस प्रकार का आदमी था, पर अपने कामलान चोगराम विधिम हित्वा दही प्रिय है, ये चरक में सूत्र आया है। तो उसको कामला हो गई और वो काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार की थी। और फिर रेगुलर विरेचन देकर 3-4 महीने लगे उसको कामला से मुक्ति पाने के लिए। दूसरी एक केस थी, वो भी और अजीब थी, वो उसमें तो 55-56 तक बिलिरुबिन चला गया था। मैंने पहली बार ऐसा परिणाम देखा और युवा था। तो उसकी उस समय की प्रधान तकलीफ थी, वो बहुत कंडू पूरे बदन में इस प्रकार की थी और वो कम नहीं हो रही, तो कांजी धारा करवाई उसमें, और कांजी धारा से उसको रिलीफ हो गया, नींद आने लगी, और फिर विरेचन चिकित्सा चालू रही और वो बिलीरुबिन पूरा नॉर्मल हो गया। तो मैंने इस मरीज तक मैंने 42 तक बिलीरुबिन देखा था, लेकिन ये तो 55-56 इस प्रकार का था। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार के होते हैं, लेकिन मूल चिकित्सा सूत्र तो विरेचन यही है। ये तात्कालिक लाभ के लिए कुछ नस्य वगैरह इस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। और कामला के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि 25-30 बरस पूर्व कामला के मरीज हमारे पास आते ही नहीं थे, ना ही एलोपैथी में जाते थे। वो केवल इस प्रकार के घरेलू उपचार करने वाले लोग उनके पास जाते थे और वहीं पे ठीक हो जाते, 2-3 दिन में कामला ठीक हो जाती थी। अब ये बात नहीं रही, चाहे आपका हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, या अननोन इस प्रकार का वायरस हो, कि ये काम नहीं करती इस प्रकार के दवाइयाँ अभी इन लोगों की, और काफी मुश्किल हो जाती है, और पूरी की पूरी कामवाला की चिकित्सा करनी पड़ती रहती है। तो अभी ये थोड़ा सा माहौल बदल गया है, और कामला केवल लक्षण के रूप में भी हो सकता है,
हिपेटोमा प्राइमरी इस प्रकार का हो सकता है, लीवर मेटास्टेसिस हो सकता है, और उसके जरिए बुद्ध रुद्ध पद का मला इस प्रकार की हो सकती है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशंस करवाना ये भी काफी आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। केवल श्वेतम मल प्रवर्तन है, रुद्ध पद है, ऐसा करके त्रिकुट वगैरह दे देंगे तब अपने चिकित्सा करेंगे तो उसके काम होगा ही, ऐसा नहीं बता सकते। तो ये काफी मामला अभी टेढ़ा इस प्रकार का हो गया है। तो ठीक है, नस्य और अंजन इन दोनों का प्रयोग इस तरीके से हो सकता है। तो कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह ही शल्य तंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतो यन निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वांछन पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। शांति शांति ही विरम्यते व्याख्यान व्यापार।